अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज है मेरे पास Vivo Y02T। दोस्तों आज मैं आपके साथ इस मोबाइल को खरीदने का एक रीजन और चार रीजन ना खरीदने के बताऊंगा। असल में यह हमारे मोहल्ले के कारी साहब है, उन्होंने ये मोबाइल खरीदा था और उनके तो पैसे बर्बाद हो गए। अब मैंने उनसे कहा है कि इसको वापस करके कोई और मोबाइल खरीद ले, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर में से कोई बंदा ये मोबाइल ना खरीद ले। और अगर कोई खरीदना चाहता है तो आप उसके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उसके पैसे बर्बाद ना हो। और कल मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स आप सबकी मोहब्बत और प्यार की वजह से कंप्लीट हो चुके हैं। इस चीज का मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूं। तो स्टार्ट करते हैं इस मोबाइल के डिस्प्ले से। इस मोबाइल में IPS पैनल है, 6.51 इंचेस का इसका डिस्प्ले है, 720p पिक्सल्स के साथ ये मोबाइल आपको 30,000 रुपए में मार्केट में मिलता है। दूसरा रीजन है इस मोबाइल को ना बाय करने का, वो है इसकी परफॉर्मेंस। इस मोबाइल के अंदर हमें Helio P35 का प्रोसेसर मिलता है। इस मोबाइल में अगर आप लोग सबवे सर्वर जैसी गेम भी रन करेंगे तो वो भी अटकेगी। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टिकटॉक ये भी इस मोबाइल के अंदर हैंग होकर चलेंगे। मतलब आप इसके अंदर कैजुअल यूजिंग भी बहुत मुश्किल से कर सकते हैं। 4GB रैम, 64GB मेमोरी, इस रेंज में हमें 4128 में भी इजीली मार्केट में थोड़ा सा रिसर्च करके मोबाइल मिल जाते हैं। तीसरा रीजन है इस मोबाइल का कैमरा। इस मोबाइल में बैक साइड पे हमें सिंगल कैमरा मिलता है जो कि 8 मेगापिक्सल का है और फ्रंट साइड पे इसके 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। और यकीन करें, ना इसका फ्रंट कैमरा काम का है ना इसका बैक कैमरा काम का है। अगर आपने इसके अंदर 27-28 हज़ार रुपया पे कर दिया तो आप लोगों को ना इसके अंदर कैमरा अच्छा मिलेगा, ना परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, ना इसका डिस्प्ले अच्छा है। अगर इस मोबाइल की पीक ब्राइटनेस की बात करें तो वो इस टाइम स्मोकी डेज चल रहे हैं तो इसकी वजह से फिर भी थोड़ा बहुत सही क्लियर नजर आ जाता है, लेकिन अगर आप इसके अंदर हार्श लाइट के अंदर यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल भी इसकी स्क्रीन नजर नहीं आएगी। चौथा रीजन है इस मोबाइल को ना बाय करने का, वो है इसके अंदर माइक्रो USB। इसके अंदर हमें माइक्रो USB मिलती है, Type-C की कनेक्टिविटी नहीं मिलती, सिंगल स्पीकर मिलता है। आजकल सभी के सभी ब्रांड्स Type-C पर शिफ्ट हो चुके हैं और ये मोबाइल आज के टाइम पे आपको 30,000 रुपए में माइक्रो USB प्रोवाइड कर रहा है। बाकी इस मोबाइल के अंदर 5,000 mAh की बैटरी मिल जाती है और कॉलिंग में, कनेक्टिविटी में किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस मोबाइल को खरीदने का सिर्फ एक ही रीजन है, वो है इसका डिजाइन। इसका डिजाइन बहुत अच्छा बनाया गया है। आप लोग अगर डिजाइन को देखकर इस मोबाइल को परचेस करेंगे तो डिजाइन तो इसका बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर आपने इसको एक्चुअल में यूज करना है तो उस लिहाज में ये आपके लिए किसी भी लिहाज में बेटर चॉइस नहीं रहेगी। इसके अलावा आप रेडमी के मोबाइल की तरफ जा सकते हैं और आजकल आप लोगों को पता ही है iTel, VivoTel और Sparks वो इससे फिर भी काफी बेहतर है। आप उनकी तरफ जा सकते हो अगर आपको इसी तरह का मोबाइल परचेस करना है। उनका डिजाइन भी अच्छा है और उनकी स्पेसिफिकेशन भी इनसे काफी अच्छी है, तो आप उन मोबाइल्स की तरफ जा सकते हो कि बजाय कि इस मोबाइल के ऊपर आप इन्वेस्ट करें।